मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह कौन सी है तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट, पर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे डीप जगह कौन सी है तो सबके मन में यही सवाल आएगा कि वह है माउंट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में पैसिफिक आइसलैंड के पास मौजूद एक वी शेप गर्त है जिसकी गहराई आप सोच नहीं सकते, वह है 11,000 मीटर। अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें रख दिया जाए तो वह पूरी तरह से इसमें समा जाएगा। पहले के समय में यह माना जाता था कि यहाँ पर जीवन का होना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी गहराई में यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच पाना नामुमकिन है और इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण यहाँ किसी भी जीवन का टिक पाना असंभव है। इसी खोज में 1958 में सोवियत शिप विट्यास की मदद से यहाँ पर जीवन होने का पता चला। पहली बार वैज्ञानिकों ने 7,000 मीटर में जीवन का पता लगाया। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला क्या सामान्य समुद्र जीवों के अलावा ऐसे ऐसे जीव है जिनका आज तक पता नहीं चल सका। 1960 के दशक में एक स्विस रिसर्चर जैक्स पेकार्ड मरियाना ट्रेंच के गहराई में जाने लगा। पेकार्ड और उनके पार्टनर जिनका नाम था बाथ सेपरेट, उनकी मदद से वह दुनिया की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए, पर वह 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं सर्वाइव कर सके। बाद में यह पता चला 11,000 मीटर की गहराई में भी जीवन मौजूद है। पेकार्ड के एक रिसर्च बुक से पता चला कि जब पेकार्ड और उनके साथी मरियाना ट्रेंच की गहराई में गए थे तब वहाँ एक विशालकाय जीव उनको बड़ी बुरी तरह से घूर रहा था, पर थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया। वह जीव कौन सा था उसका आज तक पता नहीं चल सका। 1985 में अमेरिकन चार्ल्स लेमेन ने यह रिसर्च करने की ठान ली। उन्होंने एक शिप डिवाइस जिसका नाम था हैच हॉक, उसको मरियाना ट्रेंच की गहराई में छोड़ दिया। थोड़ी देर में कंप्यूटर में अलग साउंड रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। डिवाइस को होल्ड किए हुए केबल स्ट्रेच होने लगे और टूटने तक पोजीशन तक पहुंच गए। रिसर्चर्स ने मजबूरी में डिवाइस को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अनबीटेबल फोर्स ने जकड़ा हुआ था और 3 घंटे की मशक्कत के बाद वह डिवाइस वापस खींचने में कामयाब हो। डिवाइस को देखने के बाद पता चला कि डिवाइस को बहुत सारे काटने के निशान थे और बहुत सारे स्टील के बेल्ट टूट चुके थे। जहाज पर सभी मेंबर्स डर चुके थे। हालांकि इस मिशन का ऑफिशियल वर्जन कहता है कि डिवाइस एकाध चट्टान से टकरा गया था, पर शिप मेंबर्स को यह लगता है कि पानी की गहराई में कुछ शक्तिशाली था जिसने इस डिवाइस को डैमेज किया था। ऑफिशियल वर्जन का माने तो मरियाना ट्रेंच में बड़े बड़े पहाड़ जैसे चट्टान हैं, लेकिन जहाँ पर यह रिसर्च की गई थी वह जगह एकदम वीरान थी जहाँ पर चट्टान का होना इम्पॉसिबल था। अगर ऐसा होता तो 4 से ज़्यादा चट्टान और डिवाइस के साथ एक टकराव हो जाता। इस डैमेज के अलावा वहाँ पर जो खौफनाक आवाज़ें थी जिसको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। बायोलॉजिस्ट सभी रिसर्च पेपर की स्टडी करके यह नतीजे पर पहुँच गए कि विशाल का एंशियंट जीव मेगालोडन शार्क ने यह सब डैमेज किया था। इसका वजन 50 टन और लंबाई 22 मीटर हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है मेगालोडन शार्क 8 से 15 लाख साल पहले ही डिसअपीयर हो गई थी, पर इस रिपोर्ट की माने तो मेगालोडन शार्क अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पर मेगालोडन होने का अंदाज़ा वैज्ञानिकों के एक दांत से मिला जो मरियाना ट्रेंच के गहराई में मिला था।